देश एक बार फिर गुस्से में है। इस बार गुस्सा किसी अपराध के खिलाफ नहीं, किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि जानलेवा बनते जा रहे गड्ढों को लेकर है। हमारे रोजमर्रे के सफर को नरक बना रहे ये गड्ढे सरकारी लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। कहां तो हमें सरकारी ख्वाब दिखाया जाता है चमचमाती सड़कों का, और कहां हमें मयस्सर नहीं है हमें हिचकोले खाते गड्ढे। राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, कहानी बस एक है। बस फर्क इतना है कि इस बार गड्ढों के खिलाफ लोग सड़कों पर है और सरकार से कह रहे हैं कि या तो गड्ढे भरो या फिर हमारा टैक्स वापस करो। देखिए गड्ढों के खिलाफ सत्याग्रह पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सड़क पर इतनी सस्ती जान है, जिंदगी गड्ढों में कुर्बान है, फिर भी मेरा भारत महान है। किस शहर का हाल दिखाएं आपको, किस किस की दास्तान सुनाएं आपको, किस सड़क पर ले चलें आपको, राजमार्गों पर, महानगरों में, गांव नगर या कस्बों में, किस गड्ढे का क्षेत्रफल बताएं आपको, जहां चलते चलते मौत झपट्टा मारने को तैयार बैठी है, जिन गड्ढों में स्मार्ट सिटी के सपने देखने वाले मुल्क का मुस्तकबिल हिचकोले खाता हो, जिन गड्ढों की वजह से देश में हर रोज 7 जिंदगियां मौत का कफन ओढ़ लेती हो, जिन गड्ढों में सरकारों की सुस्ती और सिस्टम की शिथिलता का जानलेवा सच सुर्खियां बनता हो, वो मेरा भारत महान है, जहां इतनी सस्ती जान है, जहां आदमी गड्ढों पर कुर्बान है। ये भविष्य के सुपर पावर भारत की राजधानी दिल्ली की सड़कों के गड्ढे हैं। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तहत आने वाले फरीदाबाद की सड़कों पर तांडव मचाते गड्ढों की तस्वीर है। यह हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोलाहल करती मौत का वीडियो है। यह हाईटेक सिटी बेंगलुरु के गड्ढों में सड़कों पर दम तोड़ती जिंदगी का दर्द है, और इसी का नतीजा है कि हमारे खून पसीने की कमाई से, हमारे टैक्स के पैसों से, हमारी ही मौत की इबारत लिखने वाले हिंदुस्तान के हुक्मरानों के सामने अब गड्ढा सत्याग्रह की प्रस्तावना तैयार हो चुकी है। सुरक्षित सड़क बनाओ या टैक्स के पैसे वापस करो की तर्ज पर हैदराबाद में ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। अगर इसके बाद भी महान मुल्क के कर्णधारों की कुंभकर्णी निद्रा नहीं टूटी, तो बेंगलुरु की एक कहानी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आने वाली है। दिल थाम कर देखिए इसे। ये बेंगलुरु की वीना की तस्वीर है। 21 साल की वीना शेट्टर, बहुत ख्वाब थे उसके, लेकिन सपनों की उड़ान इसी गड्ढे में दफन हो गई। वो अपनी बड़ी बहन के साथ स्कूटी से जा रही थी, गड्ढे से बचने की कोशिश में पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचल डाला और वीना की सांसें थम गई। इन सारे पॉट होल्स को कैसे पालिके फिल करेगा, और ये ब्लेम गेम क्या फिर से डेवलपमेंट के बीच में आएगा? BWSSB, BBMP, BMRCL, इन सब के बीच ये ब्लेम गेम चलता रहेगा, तो ये कब खत्म होगा और कब लोगों को गड्ढों से छुटकारा मिलेगा, ये हमें अभी देखना है। अब वीना की मौत पर शोक गीत गाए जा रहे हैं, सियासत हो रही है, इंसाफ की आवाजें बुलंद की जा रही हैं, फिर भी बेशर्म सरकार को चुल्लू भर पानी नहीं मिलता ना डुबोने को। Not due to potholes, because of accidents. Yes sir, so those accidents were caused by potholes, sir. So meeting there, sir. Ha, 1 minute. Sir. जिस सूबे की सरकार को गड्ढों से हुई मौत मामूली दिखती हो, जो सीएम सड़क पर मरती आवाम का दर्द देखकर भी धृतराष्ट्र बना हो, उसकी राजधानी बेंगलुरु में 10 दिन के भीतर किलर गड्ढों ने 4 लोगों की जान ले ली। अब जरा दिल्ली की एक तस्वीर देखिए, इस कातिल गड्ढे पर गौर फरमाइए। आउटर रिंग रोड पर मधुबन चौक से बुराड़ी की तरफ जाने वाली सड़क पर हुए इस गड्ढे ने 42 साल के मनोज श्रीवास्तव की सांसें छीन ली। एलिवेटेड रोड पर गड्ढा था, मनोज की स्कूटी तेजी से गिरी और जिंदगी खत्म हो गई। एक आंकड़ा देखिए आप, पिछले 4 साल में गड्ढों की वजह से देश भर में 38,105 हादसे हुए। गड्ढों वाले हादसे में 11,386 लोगों की जान चली गई, यानी हर रोज
कम से कम 7 लोगों की मौत सिर्फ गड्ढों की वजह से हो रही है। मतलब ये कि हर साल औसतन 3,000 लोग गड्ढों में समाकर दम तोड़ देते हैं। मैंने बनाया, आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे मैंने बनाया था। आज भी जाओ 96-97 में बनाया, आज कितने साल हो गए, 2 जनरेशन की गारंटी है। जो बैठे हुए वो फिर इनके बेटे फिर उनके बेटे, जब तक है तब तक रोड में गड्ढे नहीं पड़ेंगे। लिखो अब क्या कहेंगे आप और क्या कहेंगे हम, सिवाय इसके कि सड़क पर बहुत सस्ती है आपकी जान, गड्ढों में इंसान की जिंदगी है कुर्बान, फिर भी हमारा भारत महान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वही खबर राजस्थान से। राजस्थान में कई मुस्लिम संगीत घराने सदियों से हिंदू देवी देवताओं के भजन गाते रहे। ये राजस्थान की तहजीब का हिस्सा रहा है, पर प्रदेश के जैसलमेर में एक मुस्लिम लोक गायक की हत्या ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। दरअसल ये मुस्लिम लोक गायक मंदिरों में भजन गाता था, पर मंदिर के पुजारी द्वारा अंधविश्वास के कारण उसकी हत्या कर दी गई, जिससे सदियों पुरानी इस परंपरा को गहरी ठेस पहुंच सकती है। उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की ये आवाज रूह में उतर जाती है। दिल को सुकून देती है। कुछ ऐसी ही मखमली आवाज थी अहमद खान की। अहमद खान के भजन भी भाव विभोर करने वाले होते थे। माता रानी और गणेश की वंदना गाकर जो लोक गायक अहमद खान सुरों के सरताज कहलाते थे, मंदिर मंदिर घूमकर जो रात रात भर भक्ति की धारा बहाते थे, वो अहमद खान मंदिर के एक पुजारी के शिकार हो गए। आरोप है कि देवी के गाने में गलती होने की वजह से अहमद खान को पुजारी ने मार डाला। बताया जा रहा है कि नवरात्र के दौरान अहमद खान एक मंदिर पर भजन गा रहे थे। इस दौरान पुजारी भोपे ने उन्हें विशेष राग गाने को कहा, जिससे उनके अंदर देवी देवता प्रवेश कर सकें। भजन के दरमियान मंदिर के पुजारी भोपे के शरीर में देवी देवता का प्रवेश नहीं हुआ। अंधविश्वास के आक्रोश में जल रहे पुजारी और उसके परिवार वालों ने पहले अहमद खान की पिटाई की और फिर गाड़ी के नीचे रौंद दिया। अगली सुबह खान का शव मंदिर के पास मिला। भोपा जी के वहाँ गए थे मंदिर पे गाने बजाना करने के लिए, तो वहाँ पर भोपा जी के उनके साथ में दारू पी के कहासुनी हुई, उसमें मारपीट शुरू हुई, मार मार के भाई को बेरहमी में से मार दिया गया। अहमद खान का शव और उम्मीदों की झोली लेकर परिवार वाले पुलिस की चौखट पर पहुंचे, लेकिन इसका असर उलट ही हुआ। पुजारी का परिवार अहमद खान के परिवार और गांव वालों को जान से मारने की धमकी देने लगा। नतीजा ये हुआ कि डर के मारे लोग गांव छोड़ने लगे। हालांकि पुलिस का कहना है कि तांत्रिक भोपे शिकंजे में है, बाकी कातिलों की तलाश जारी है। एक जो मुख्य अभियुक्त है उसको हमने हिरासत में ले रखा है और उससे पूछताछ जारी, उसका रिमांड लेके आगे जो भी है वो कार्रवाई करेंगे। राजस्थान में मुस्लिम गायकों के भजन गाने की लंबी परंपरा रही है। हिंदू मुस्लिम की दीवार को तोड़कर वे जागरण भी करते रहे हैं, रथ जगह में शामिल होते रहे हैं, एक से बढ़कर एक भजन गाए हैं। जाहिर है कि ये एक मिसाल है, लेकिन जिस तरह से अहमद खान की हत्या की गई, ये कई सवाल खड़े करती है। मनीष रामदेव, जैसलमेर, जी मीडिया। वहीं हिमाचल प्रदेश में आज चुनावी बिगुल बज गया। 9 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होगी। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि गुजरात में भी चुनावों की घोषणा हिमाचल के साथ होगी, लेकिन चुनाव आयोग ने पिछली परंपराओं को तोड़ते हुए केवल हिमाचल के लिए ही चुनावों की घोषणा की, जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। गुरुवार को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति ने हिमालय की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। हिमाचल में विधानसभा की 68 सीटों के लिए 9 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हालांकि यहां चौंकाने वाली बात ये रही कि गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों पर चुनाव आयोग खामोश ही रहा, जबकि दिन भर मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक यही चर्चाएं थी कि गुजरात और हिमाचल के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान आज एक साथ ही होगा। गुजरात में चुनाव की तारीखों पर चुनाव आयोग की चुप्पी पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर किया गया है। सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग इस प्रकार से दबाव में आ सकता है
क्या ये सही परिपाटी है संविधान की? चुनाव आयोग को भी देश की जनता को इस बारे व्यापक जवाब देने की आवश्यकता है। पिछले कई बार से गुजरात और हिमाचल में चुनाव की तारीखों का ऐलान एक साथ होता आया है। पिछली बार 3 अक्टूबर 2012 को गुजरात और हिमाचल के लिए चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव शेड्यूल का ऐलान किया था, जबकि 2007 में भी दोनों राज्यों में एक साथ ही चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई थी। ऐसे में इस बार गुजरात को छोड़ सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए चुनाव की तारीखों के ऐलान करने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल पीएम मोदी 16 अक्टूबर को गुजरात जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी कई नई योजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं। हालांकि इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि पीएम के दौरे से चुनाव की तारीखों के ऐलान का कोई संबंध नहीं है। गुजरात में सिंगल फेज में इलेक्शन हुआ था, वो 9 फरवरी 1995 को हुआ था और हिमाचल में 9 नवंबर 1993 को हुआ था, तो ऐसा नहीं उसमें बहुत वेरिएशन रहा है, तो इसलिए ये आपकी बात ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि नवंबर में इलेक्शन कराना हिमाचल में इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल का प्रॉब्लम है 3 दिवसीय के अंदर, इसीलिए उसको करा गया है। चुनाव आयोग चाहे जो सफाई दे लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। हालांकि आज आयोग ने इतना जरूर साफ कर दिया कि हिमाचल प्रदेश के वोटों की गिनती गुजरात की गिनती के साथ ही होगी, यानी गुजरात में भी 18 दिसंबर से पहले चुनाव समाप्त हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिवाली आने में अभी एक हफ्ते का वक्त बाकी है, लेकिन दिल्ली की आबोहवा अभी से खराब होने लगी है। दिल्ली की हवा में जहर घुलना अभी से शुरू हो गया है। दिल्ली में इस दिवाली पटाखे बेचने पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रोक लगा दी हो, पर हकीकत यह है कि पड़ोसी राज्यों में फसल जलाने से उठ रहे धुएं से दिल्ली का दम घुट रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पटाखा मुक्त दिवाली के आदेश के बावजूद दिल्ली वालों के लिए कोई राहत की बात नहीं। ये तस्वीरें एक साल पहले की हैं, जब देश का दिल दिल्ली गैस चैम्बर बन गई थी। दिवाली के पटाखों ने दिल्ली की हवा को जहरीला बना दिया था। खुली हवा में सांस लेना भी मौत को दावत देना जैसा हो गया था। इन तस्वीरों का असर है कि इस बार दिल्ली वालों को बिना पटाखों के ही दिवाली मनानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद भी दिल्ली की आबोहवा का संकट टला नहीं है, बल्कि दिल्ली पर जहरीली हवा का संकट एक बार फिर मंडरा रहा है। दिल्ली की हवा में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ITO से लेकर RK पुरम और सादीपुर से लेकर लोधी रोड तक हवा में प्रदूषण काफी ज्यादा है। हवा में प्रदूषण की मात्रा को मापने का स्तर PM10 और PM2.5 पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ा है, जो दिल्ली की सेहत के लिए काफी नुकसानदेह है। प्रदूषण के अलावा हवाओं की धीमी गति ने पिछले साल दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया था। कुछ ऐसा ही हाल इस बार भी है। दिल्ली में हवाओं की गति में लगातार कमी आ रही है। दिल्ली में हवा की गति काफी धीमी, यानी महज 10 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 5 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज हो रही है। अगर अगले कुछ दिन हवाओं की स्थिति इसी तरह बनी रही तो धुएं और धूल की परत मोटी होने लगेगी, जिसकी वजह से PM10 और PM2.5 के स्तर में बढ़ोतरी होगी और धीरे धीरे स्मॉग की चादर मोटी होती जाएगी, जिसका असर ये होगा कि दिल्ली में दिन में अंधेरा छाने लगेगा और सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। पाबंदी के बावजूद दिल्ली से सटे राज्यों में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। 23 सितंबर से 6 अक्टूबर तक पराली जलाने के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सबसे अधिक पराली झज्जर और करनाल में जल रही है। इनकी दिल्ली से दूरी ज्यादा नहीं है, ऐसे में इसका धुआं दिल्ली पहुंचना तय है। उधर पंजाब के संगरूर में भी किसानों ने पराली जलाई है। यहां किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उन्हें मुआवजा नहीं देती, वो पराली जलाने पर रोक के फैसले को नहीं मानेंगे। पराली ही नहीं, ईंट भट्टों का धुआं भी दिल्ली की आबोहवा को खराब कर रहा है। दिल्ली के आसपास NCR के शहर गाजियाबाद, हापुड़ और नोएडा में 687 ईंट भट्टे हैं, जबकि हरियाणा के NCR क्षेत्र में 13 जिलों में करीब 1000 ईंट भट्टे हैं। इनमें से कई अब भी चल रहे हैं। दिल्ली पर पॉल्यूशन का अटैक अंदर और बाहर दोनों तरफ से हो रहा है।
ऐसे में अगले कुछ दिन दिल्ली वालों के लिए बेहद मुसीबत भरे साबित हो सकते हैं। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार अभी तक हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठी है? क्या सरकार को इंतजार हालात के बद से बदतर होने का है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केजरीवाल की कार चोरी हो गई, दिल्ली के मुख्यमंत्री की गाड़ी चोरी हो गई। वही कार वैगनार, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, नीली कलर वाली केजरीवाल की वैगनार चोरी हो गई है। इससे कौन इनकार कर सकता है कि कितने नाजों से कार को रखा था केजरीवाल ने, रखेंगे भी क्यों नहीं, कितनी यादें जुड़ी हुई थी उस कार से। एक वक्त गर्दन में मफलर बांधकर इसी कार के आगे वाली सीट पर बैठकर केजरीवाल जब निकलते थे तो तहलका मच जाता था। अन्ना आंदोलन, हड़ताल, प्रदर्शन, इसी वैगनार में चढ़कर आम आदमी से खास, बहुत खास, या कहिए कि दिल्ली के सबसे खास आदमी बन गए केजरीवाल। केजरीवाल को खास बनाने वाली वही कार चोरी हो गई। बताइए ना, कैसे नींद आई केजरीवाल को? इसी कार के लिए क्या क्या नहीं सुनना और सहना पड़ा था। जब कार देने वालों ने कार मांगी थी तब, जब इस वैगनार को छोड़कर इनोवा वाले हो गए थे तब, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा था केजरीवाल को। सीने से लगाए रहते थे वैगनार को। ये कार थोड़ी ही थी, ये नीली वैगनार तो पहचान थी केजरीवाल की, वही पहचान चोरी हो गई। था साहब को, इसीलिए तो अपने वायदों से पलटकर इस वैगनार को गैरेज में बंद करके रखते थे। इनोवा में चढ़ने लगे थे, लेकिन पता नहीं कैसे मती मारी गई। एक दिन इसे लेकर सचिवालय पहुंचे और वहीं से चोर चोरी करके ले गया नीली वैगनार को। अब मुख्यमंत्री जी कार को खोजने में जुट गई है दिल्ली पुलिस। सब पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कार कैसे चोरी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों प्रचार के लिए गुजरात दौरे पर हैं। राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में बीजेपी को पटखनी देने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। राहुल रोजाना कई कई सभाएं कर रहे हैं। हालांकि बुधवार को राहुल गांधी के साथ एक गजब घटना घटी। दरअसल प्रचार के लिए छोटापुर जिला पहुंचे राहुल गांधी गलती से महिला शौचालय में घुस गए। राहुल यहां अपने इवेंट संवाद के तहत युवाओं से मुलाकात के लिए आए थे। इवेंट के बाद जब राहुल गांधी हॉल से बाहर निकले तब महिला शौचालय में घुस गए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि शौचालय के बाहर ऐसी कोई विशेष पहचान नहीं थी जिससे महिला पुरुष शौचालय का पता लग सके। हालांकि शौचालय के बाहर गुजराती में एक पोस्टर चिपका था जिसपे लिखा था महिला माटी शौचालय, लेकिन राहुल गुजराती में लिखे पोस्टर को पढ़ नहीं सके। हालांकि जल्द ही राहुल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो तुरंत शौचालय से बाहर आ गए। इस दौरान बाहर खड़े लोग उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। ये पूरी घटना मीडिया के कैमरों में भी कैद हो गई। राहुल इससे पहले आरएसएस में महिलाओं की भागीदारी पर दिए विवादित बयान को लेकर भी खासे चर्चाओं में रहे हैं। दिल्ली की दिवाली इस बार बिना पटाखों के मनेगी। दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर भी जोरदार बहस छिड़ी है। सोशल मीडिया पर आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक इस बैन के विरोध और समर्थन में अपने अपने तर्क दे रहे हैं। इसी बीच राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर संजय दीक्षित ने एक दिलचस्प चीज लोगों के सामने रख दी। उन्होंने बीकानेर स्टेट आर्काइव में सुरक्षित रखा औरंगजेब का वो फरमान शेयर किया है जिसमें औरंगजेब ने अपने शासनकाल में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया था। संजय दीक्षित का दावा है कि ये वही मूल फरमान है जो औरंगजेब ने सुनाया था, साथ में उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद भी शेयर किया। संजय दीक्षित का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस ट्वीट को अब तक सैकड़ों लोग रीट्वीट और लाइक कर चुके हैं।
दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक के खिलाफ पटाखा कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं दी है। इस बीच पटाखा कारोबारियों ने अपने स्टॉक को खत्म करने का एक नया तरीका इजाद कर लिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है, लेकिन पटाखे फोड़ने पर कोई रोक नहीं है। बस इसी का फायदा उठाकर अब पटाखा व्यापारी पटाखों की ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले के पटाखा कारोबारी अच्छा खासा स्टॉक कर चुके थे, जिसमें उनका काफी पैसा भी फंसा हुआ है। ऐसे में अब पटाखों की ऑनलाइन बिक्री से न केवल पटाखा कारोबारी अपना स्टॉक खत्म कर रहे हैं, बल्कि इससे ग्राहकों को भी सस्ते पटाखे मिल रहे हैं। ऑनलाइन खरीद पर पटाखों की फ्री होम डिलीवरी भी की जा रही है। हालांकि फ्री होम डिलीवरी की सुविधा के लिए 3,000 से 5,000 रुपए तक के पटाखे खरीदने की शर्तें हैं। उधर पटाखों के इस ऑनलाइन सेल पर अब दिल्ली पुलिस भी नजरें गड़ाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस दिवाली अगर किसी ने पटाखों को ऑनलाइन बिक्री या खरीदने की कोशिश भी की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 14 अक्टूबर को पटना विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह होने जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो या फिर साइंस, कला या टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में यहां के छात्रों ने अपना लोहा मनवाया है। ऐसे में पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार के कई दिग्गज आ रहे हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार और बिहार के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को इस कार्यक्रम का न्योता ही नहीं दिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, जिस पर अब शॉटगन का गुस्सा भड़क गया है। शत्रुघ्न का कहना है कि उन्हें पीएम मोदी का विरोध करने के कारण उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में हो रहे कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि पीएम मोदी और उनकी सरकारी नीतियों का विरोध करने के कारण ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा और आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव को भी इस समारोह में नहीं बुलाया गया है। तो अब बात करेंगे आपके प्रदेश के आज के बड़े सरकारी फैसलों की। आपको बताते हैं कि आपके प्रदेश के सरकारी महकमों में आज क्या रही हलचल और कैसा रहा आपकी सरकारों का कामकाज। रियल स्टेट में टैक्स चोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। रियल स्टेट को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रियल स्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि रियल स्टेट को जीएसटी में लाया जाना चाहिए। 9 नवंबर को जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इस पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति भवन में आज से राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति भवन में आयोजित यह 48वां राज्यपाल सम्मेलन है। राष्ट्रपति कोविंद ने पहली बार सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में 27 राज्यपाल और 3 उपराज्यपाल हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन की थीम न्यू इंडिया 2022 है। सम्मेलन के पहले दिन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और धर्मेंद्र प्रधान ने हायर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया। कानपुर में यूपी बीजेपी कार्यसमिति की बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का उद्घाटन किया। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों की रणनीति और मेयर उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की गई। बीजेपी विधानसभा की तरह निकाय चुनावों को आक्रामक तरीके से लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे, यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर के साथ साथ 450 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारियों और नेता बैठक में शामिल हुए। जनसंपर्क, जनसंवाद जनता के हित में पार्टी इकाइयां सतत करती रहेंगी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया, जबकि 5 आम नागरिक घायल हुए हैं। सूबे के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान कायर देश है। भारतीय सेना उसकी हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने में जुटी है। हमने जो जवाब देना था दिया है, लेकिन पाकिस्तान जब उसको नुकसान होता है तो भी फिर वो जो है कमांडर्स की मीटिंग भी करता है, स्वे झंडे भी दिखाता है, तो ये उसकी आदत है। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे गुजरात दौरे पर हैं। सीएम राजे ने बनासकांठा समेत कई जगहों पर सभाओं को संबोधित किया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी गुजरात गौरव यात्रा में शामिल हुई। सीएम राजे ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि गुजरात पूरे देश में विकास का मॉडल बन चुका है। आज देश में भी नाम हो गया है, देश का भी नाम हो गया है,
परंतु साथ साथ दुनिया के अंदर भी हमारे देश आपके गुजरात उसके नाम को पहुंचाने का काम इन्होंने किया। गुजरात गौरव यात्रा में शामिल गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी तारीफ की। राजस्थान में चलाई जा रही भामाशाह योजना समेत दूसरी योजनाओं को लेकर रूपाणी ने सीएम राजे की तारीफ की। सीएम रूपाणी ने कहा कि विकास ही हमारा एजेंडा रहेगा, विकास ही हमारा मिजाज रहेगा। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम पनीर सेल्वम ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद पनीर सेल्वम ने कहा कि राज्य में फैले डेंगू बुखार के लिए पीएम मोदी ने मेडिकल टीम भेजने के साथ साथ हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही पनीर सेल्वम ने सीएम बनाली सामी के साथ किसी भी तरह के मतभेद खबरों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों गुटों का विलय बिना किसी शर्त के साथ हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बॉलीवुड फिल्म न्यूटन देखी। फिल्म देखने के बाद सीएम ने कहा कि फिल्म में ईमानदारी से काम करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस से काम करना दिखाया गया है। हरियाणा सरकार भी इसी नीति पर काम कर रही है। हमारे एक्सपेक्टेशंस यही है कि जैसे एक किरदार निभाया है राजकुमार राव ने, उस किरदार को ध्यान में रखते हुए जो ईमानदारी से काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं वो उनकी संख्या बढ़े, उससे प्रेरणा लें। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किसानों के साथ सीधा संवाद किया। सीएम ने किसानों को भावांतर योजना की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी फसल को समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने दिया जाएगा, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी। सीएम ने किसानों से भावांतर योजना का फायदा लेने के लिए किसानों से रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर से पहले कराने की अपील की है। भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाइए, पंजीयन कराइए और व्यवस्था में हमें सहयोग करिए। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह किसानों को धान बोनस बांटने में जुटे हैं। इस कड़ी में सीएम रमन सिंह ने रायगढ़ और महासमुंद में बोनस तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने 92,767 किसानों को 184 करोड़ से ज्यादा का धान बोनस बांटा। सीएम रमन सिंह ने 212 करोड़ की 58 विकास योजनाओं का भी तोहफा दिया। बिहार के नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली का तोहफा दिया है। राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अक्टूबर महीने के वेतन से ही भत्ता मिलने लगेगा। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को एरियर नहीं मिलेगा, जबकि भत्ते से 4 से 20 हजार तक का फायदा होगा। रांची में मुद्रा प्रोत्साहन अभियान का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने झारखंड सरकार और राज्य स्तरीय बैंकर समिति की तरफ से आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जयंत सिन्हा ने अभियान के तहत कई लाभार्थियों को चेक भी सौंपे। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारकर ने विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री नारा लोकेश भी मौजूद रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात आज के श्वेत पत्र की। आरुषि हत्याकांड में आज फिर एक नया मोड़ आ गया। आरुषि मर्डर केस आज फिर वहीं आकर खड़ा हो गया जहां 9 साल पहले था। आरुषि हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरुषि के माता पिता को बरी कर दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद सवाल फिर वही खड़ा हो गया कि अगर आरुषि को उसके माता पिता ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा। दरअसल पूरा आरुषि मर्डर केस शुरू से ही थ्रिलर सस्पेंस मिस्ट्री की तरह रहा है। आज श्वेत पत्र में हम फिर से एक बार आरुषि केस को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्यों 9 साल बाद भी यह देश का सबसे बड़ा अनसुलझा मर्डर केस बना हुआ है। वो उजियारा थी जीवन की, उसको छीना हथियारों ने, अंधियारा बन गई जिंदगी, लूट गई सारी खुशियां व मेरी। 9 साल 6 महीने बाद सबसे बड़ा सवाल, आरुषि को किसने मारा? क्या किसी ने आरुषि को नहीं मारा? क्या देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री कभी सुलझेगी? सवाल इसलिए क्योंकि आरुषि हेमराज हत्याकांड में दोषी आरुषि के मम्मी पापा डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 14 साल की आरुषि को उसके मम्मी पापा ने नहीं मारा। जांच में खामियां बताते हुए हाईकोर्ट ने तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया। डेंटिस्ट दंपत्ति राजेश और नुपुर तलवार को संदेह का फायदा मिला। हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए हैं। निचली अदालत से तलवार दंपत्ति को उम्र कैद की सजा मिली थी। जो इल्जामात लगाए गए थे वो गलत पाए गए हैं, बेबुनियाद पाए गए हैं। ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को सरासर खारिज कर दिया गया है। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद गाजियाबाद की डासना जेल में बंद तलवार दंपत्ति बेहद भावुक हो गए। बताया जा रहा है कि जेल में दोनों रो पड़े। तलवार दंपत्ति ने कहा है कि हमें न्याय मिला है।
वाली आरुषि के साथ, आखिरी दशहरा आरुषि के साथ, आखिरी जो भी कोई फेस्टिवल आया हो, हमने क्या किया था, कहाँ गए थे, कैसे थे, एक एक चीज़ कभी कभी तो मूवी की तरह दिमाग में चलती रहती है। हाई कोर्ट के फैसले से तलवार फैमिली बेहद खुश है। मेंटली, इमोशनली, बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट भी कई लोगों ने किया और उनके प्यार और आभार से ही मुझे लगता है कि आज हमें ये दिन देखने को मिला है। माना जा रहा है कि कानून प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले 24 घंटे में राजेश और नूपुर की डासना जेल से रिहाई होगी। ये माननीय उच्च न्यायालय का फैसला कब तक हम तक पहुंचेगा, ये इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जैसे ही फैसले की कॉपी ड्यू कोर्स में हमारे पास पहुंचेगी, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पिछले 4 साल से डेंटिस्ट दंपत्ति राजेश और नूपुर तलवार डासना जेल में बंद है। सीबीआई कोर्ट ने 2013 में तलवार दंपत्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सीबीआई जांच में खामियां थीं? क्या किसी दबाव में तलवार दंपत्ति को फंसाया गया था? अगर तलवार दंपत्ति बेकसूर हैं, तो जेल में काटे 4 साल का हिसाब कौन देगा? पिछले 9 सालों से आरुषि मर्डर केस देश के सबसे हैरान करने वाले मर्डर मिस्ट्री बनी हुई है। केस ने कई मोड़ लिए, हर बार एक नई कहानी सामने आई। 16 मई 2008 को 14 साल की आरुषि का शव नोएडा सेक्टर 25 के जलवायु विहार में उसके घर के कमरे में मिला था। गला रेत कर सोते वक्त हत्या की गई थी। सिर पर भी चोट के निशान थे। जिस वक्त आरुषि की हत्या की गई, उसके मम्मी पापा बगल वाले कमरे में सो रहे थे। शुरू में शक घर के नौकर हेमराज पर गया, लेकिन अगले दिन नौकर हेमराज का शव तलवार के घर की छत पर मिला, तो तलवार दंपत्ति पर शक की सुई घूम गई। यूपी पुलिस ने हत्या को ऑनर किलिंग का एंगल दिया। यूपी पुलिस ने कहा कि आरुषि की हत्या इसलिए की गई क्योंकि नौकर हेमराज के साथ उसके संबंध थे। राजेश तलवार को पता चल गया था। नोएडा पुलिस ने 23 मई को राजेश तलवार को गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच पर सवाल उठने के बाद जून 2008 में दोहरे हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने डबल मर्डर केस की जांच घर के नौकरों की तरफ मोड़ते हुए लंबी पूछताछ के बाद 27 जून को डॉक्टर तलवार के कंपाउंडर कृष्णा को गिरफ्तार किया। तलवार दंपत्ति की दोस्त अनिता दुर्रानी के नौकर राजकुमार और पड़ोस में रहने वाले परिवार के नौकर विजय मंडल को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया। जुलाई 2008 में सबूतों की कमी में राजेश तलवार को डासना जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद 2010 सीबीआई की दूसरी टीम ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में पहली थ्योरी को खारिज करते हुए तीनों नौकरों को क्लीन चिट दे दी। दिसंबर 2010 में 30 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में जमा की। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि आरुषि की हत्या में डॉक्टर तलवार मुख्य संदिग्ध हैं, लेकिन किसी तरह के ठोस सबूत नहीं मिले। फरवरी 2011 में निचली अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी। कोर्ट ने राजेश नूपुर को सबूत मिटाने का दोषी माना। जनवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने तलवार के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी। अप्रैल 2012 में नूपुर तलवार को भी गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2012 में नूपुर रिहा हुई। नवंबर 2013 में कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को आरुषि हेमराज की हत्या का दोषी मानते हुए दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मैंने ये खून नहीं किया है, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है। डॉक्टर टंडन अश्विन कुमार, आई एम हैंडलिंग द केस। सर, किसी भी बेगुनाह को सजा मिलने से अच्छा है 10 गुनाहगार छूट जाए। आरुषि और हेमराज की मर्डर मिस्ट्री पर तलवार नाम से बॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। 4 साल से जेल में बंद तलवार दंपत्ति को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन 9 साल बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि 14 साल की आरुषि को किसने मारा। गाजियाबाद से सुमित कुमार और इलाहाबाद से अमिता पारुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। सपने सब रह गए अधूरे, सिर्फ बची है यादें। धन्य हुई तुमको पाकर, पर रही अधूरी सब बातें। करती हूँ तेरी पूजा, तू ही मूरत मेरे मन की, आरुषि पहली किरण भोर की मेरी। तो आज सीएम्स कॉर्नर में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन आज मशहूर शायर और गीतकार निदा फाजली का जन्मदिन, ऐसे में जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उनकी कुछ बेहतरीन यादों के साथ। नमस्कार। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो।